एक बुढ़िया और एक बुढ़वा रहते थे। एक बुढ़िया और एक बुढ़वा, बड़ी गरीबी थी, कोई तीसरा उनके पास ना था। जेठ बैसाख की चलचलाती धूप, बुढ़वा निकला गांव में बस्ती में, और निकलने के बाद में गया थोड़ा सा आटा मांग करके लेकर के आया, दिया बुढ़िया को, आए काम कर इसको जल्दी से बना, भूख बड़ी शिद्दत की लगी, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से बना। अब बुढ़िया जल्दी से आटा सान करके और उसकी रोटी बनाई, तीन कितनी रोटी बनाई उसकी तीन। अब जेठ बैसाख की चलचलाती धूप जा रही, इतनी गर्मी शिद्दत की गर्मी पड़ रही, बुढ़िया रोटी बना करके तीन तैयार की और उसके बाद में एक रोटी ले जाकर के बुढ़ों के सामने रखा और दो रोटी अपने सामने रख करके बैठी। अब जब दो रोटी अपने सामने रख करके वो बैठी तो बुढ़ों को गुस्सा, मेरी तरफ चंद बातें सुने तब तक इनको जो अपना काम करना है इनको करने दे, उसके बाद में मैं अपनी बात को तमाम करता हूं। आपकी ये पता हानि भी ऐसे होती है जिनको अपना भी काम करना रहता, तो थोड़ी देर आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। बहुत कीमती बात आपको बताने जा रहा हूं, दो रोटी अपने सामने ला करके रखी और एक रोटी बुढ़ों के सामने, बुढ़ों को गुस्सा आया, लाल मार कहे बुढ़िया है का, तो कहे कई रोटी बनी है, तो कहे तीन, तो कैसी रखते हैं, तो कहे हम खाई तुम तो खाई रहे हो। अब बुढ़ों को और टिबराई, एक तो बढ़ोती आज का दरामा कैसी का है, तो कहे जेल बैसा के चलाती धूप है और जाके गांव गांव घर घर आटा मांग के हम लेकर के आए, तो कहे सुनो तुम मांग के लाए हो तो हम बनाए रहे हैं, आंखें दीदा नहीं फोड़े हैं, धुआ ला है, हम खाई तुम तो खाई हो। अब बुढ़ियों का जिद्दी ना रहा, बहू कैसे बहू सुनाओ, अगर तुम मांग के लाए हो तो हम जड़ी भूजी है, आखिर दीदा भोजन बनाए हैं, खाई हम दूर, बुढ़ोड़ा कहे ना हम खाई दूर। फंस गया झगड़ा, सिर्फ रोटी के चक्कर में हम कहां जा रहे हैं, जरा इस बात को ध्यान में रखना। फंस गया झगड़ा, बुढ़ो कहा आप खाई दूर, बुढ़ा कहा है, अब फैसला क्यों करे, कोई आगे पीछे हो गया है, सिर्फ कह दे बुढ़िया बुढ़वा, बुढ़ा कहा हम खाई दू, बुढ़ो कहे ना हम खाई दू, बुढ़िया रहा है बहुत होशियार, झगड़ा करत करत हो गया मिट्टी, तो कहे इसकी बुढ़ो नमाजी है, नमाज पढ़ जा और खाई तो हम धूम खाए जी, कैसे खाई तो जोर से बोल हो रहा है, खाई तो दूर खाए, कैसे बुढ़ो तुम्हारा एक शर्त है कहीं बताओ, तो कहीं जो सबसे बाद में उठी वो खाई दुई, और जो पहले उड़ जाए वो खाई एक, वो जाना था कि जैसे आसान हो जैसे बुढ़ो जी, हम सोए 12 बजे तक कौन टेंशन, और हम खाई दुई, कहीं बुढ़ो कहीं ठीक अभी रोटी लग के सो जा। अब बुढ़ो बेचारे मस्जिद की नमाज पढ़ के आए, अब शर्त थी क्या करें मजबूरी, दोनों बिस्तर पे ले गए, अब वो मोखन मारी नींद कहां पर, करवट बदले करवट बदल, कमर बदलते 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 अजान हो गया, मौजे साहब पुकार अय्या रसला, ए लोगों आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब बूढ़ा सोचे काम बन गया, अब बूढ़ा करवट लिए उकुस पुकुस लगाए कि अब बूढ़ा उठे जाए, अब जाए उठे, अब बूढ़ा उठे नाम नहीं, अजान हो गई जमात का तेज, लेकिन बूढ़ो ठान ली कहीं नमाज रहे चाहे जाए, लेकिन खाई तो अब बड़ी सी बनी, बुढ़ा कहा हम खाई दुई, बुढ़ो कहा हम। अब इसी कश्मकश में सूरज निकल आया, रोशनी फैल गई, लोग जग गए, अपने घरों के बाहर निकलने लगे, किसी ने कहा यार रोजाना बुढ़िया बुढ़वा का दरवाजा फजर से पहले खुल जाता था, आज क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों साथी कहीं क्या मामला है, कुछ मनचले बच्चे थे दरवाजा खटखटाया, लेकिन को पहले बोले जो खाए जिद है कि खाए तो दूर खाए,
अब मनचले लड़के ने कहा ऐसा लगता है कि दोनों साथी में चले गए दरवाजा तोड़े। अब किसी तरीके से दरवाजा उखाड़ा तोड़ा तो जब दाहे पहुंचे तो दोनों शोर सा चला है। अब जब हाथ लगाया आदमी चेक करे तो कहीं दोनों एक साथ ही काम कहीं गए कफन दफन के इंतजाम। अब बूढ़ा सोचे बूढ़े बोले बूढ़े सोचे बूढ़ा, लेकिन दोनों जिद बात है कि खाए तो दूर खाए। अब ये जिद अब लोगों में अफवाह फैल गया कि ये दोनों इंतकाल कर गए, इनके जनाजे की तैयारी कफन दफन का इंतजाम होने लगा। और बताया जाता है कि तारीख में कि दोनों को कफन पहना करके नहला धुला करके तैयार कर दिया और लोगों ने काढ़ा दिया जनाजा उठा के कब्रिस्तान चले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल पढ़ते हुए जब चले तो बुढ़िया कहीं बोलवा है जिद्दी हो गई ना, लेकिन दिल में ठाने के बोला ना चाहे जोर हो जाए खाई तो दूर खाए। अब चले जब कब्रिस्तान पहुंचे इमाम साहब ने आकर के कहा कि लाओ जनाजे की नमाज पढ़ा जाए टाइम हो रहा है। अब आकर के इमाम साहब ने इजाजत दी और प्रभु के जनाजे को सामने की नियत बांध के खड़े हो गए अल्लाहु अकबर। जब नियत बांधा तो बुढ़िया बहुत खुश के साहब पढ़ावे दी अब इनका जैसे उधर तबीयत ऐसे हम बुझी लेकिन खाई तो दिन खाई जी। अब प्रभु को कश्म कश्म इमाम साहब आगे नियत कर दी है जनाजे की। अब तो दफना दिया जाएगा अब तो कब्र के हवाले कर दिया जाएगा लेकिन प्रभु रहा है बहुत जिद्दी कई सब चाहे जोर हो लेकिन खाए तो दुई खाए। अब जनाजे की नमाज पढ़ा दिया गया हटाया गया कहा बूढ़ा को लेकर के आओ। जब बूढ़ा की नमाज जनाजा पढ़ी पढ़ाई गई अब जब नमाज जनाजा पढ़ा दी गई प्यारे अब कब्र में उतारने की बारी आई। आखिरी बात बड़े गौर से सुनना कहीं मिस ना कर दिया आज ये रोटी के चक्कर में कहां हम पहुंचे कब्रिस्तान पहुंचे। अब जब कब्र में उतारने की बात आई तो कब्र में तीन लोग उतरते हैं मुर्दे को उतारने के लिए तो नीचे उतर जाते हैं एक सपोर्ट में हो जाते हैं। बोलो हकीकत है कि नहीं सही है। और रोटी कितनी है जोर से बोलो कितनी तीन। अब जिद है कि तुम खाओ तो हम खाए यही तो जिद है लेकिन दोनों से बात है कि ना खाए तो दूर खाए। अब तीन रोटी फैसला नहीं हो पा रहा पहुंच गए कब्र तक। अब किसी ने कहा लाओ बुढ़िया को कब्र में उतार जैसे कब्र के अंदर उसको रखा अब लोग कहते नहीं कि जरा वो दिखा दो खोल करके तो जैसे एक साहब पहुंचे और सर की पट्टी को खोलने लगे बुढ़िया चुचलाए उठी कहीं बुढ़ोका तो वही ना हमीन का बोले पड़ी हर बहुत जिद्दी उठी चुचलाए कैसे बुढ़ोका सुन तू खा तू हम खाई दे फैसला होगा। अब जो तीन कब्र में उतरे रहा है वो निकल के भागे सन्नाटे कहीं तो मुर्दे ये तो खाए नहीं थे तीन चोर। अब जब पूछे कहीं कहा तो कहते वो खाए कहा थे कहा थे तू तुम खाए नहीं खा और तीन आदमी हुआ कम होगा भाग्य निकल की सन्नाट है कहीं तो मामला बड़ा गड़बड़ा। अब जिंदगी कहां पहुंची